नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज राजभवन में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ हुआ। विधानसभा परिसर पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज और विधानसभा उपाध्यक्ष श्री हंसराज ने स्वागत किया। सत्र के प्रथम दिन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सदन में पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह, पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र बरागटा व श्री मोहनलाल एवं पूर्व विधायक श्री राम सिंह और श्री अमर सिंह चौधरी के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सत्र और इस मानसून सत्र के बीच में हिमाचल प्रदेश ने बहुत वरिष्ठ नेतृत्व तो खोया है और शायद मैं इस बात को देख रहा हूं कि इस माननीय सदन के वर्तमान में जो सदस्य थे, दो सदस्य और तीन पूर्व सदस्य, कुल मिलाकर के पांच ऐसे नेता हमने हिमाचल प्रदेश में इन दिनों में खोए हैं, जिसके कारण मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी क्षति हिमाचल प्रदेश को हुई है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जिनका राजनैतिक जीवन बहुत लंबा रहा और लंबे के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, मुझे लगता है कि शायद पूरे देश भर में, प्रदेश छोटा हो चाहे बड़ा हो लेकिन प्रदेश एक इकाई के रूप में जाना जाता है, गिना जाता है, उसकी एक मान्यता है। इस हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे श्री वीरभद्र सिंह जी, आज हमारे बीच में नहीं है। श्री वीरभद्र सिंह जी का दुखद निधन 8 जुलाई 2021 को हुआ और 87 वर्ष की आयु में भी वो अंत तक जो है वो राजनीति में एक आधे महीने को छोड़ करके उनकी राजनीति में भी सक्रियता रही और इस माननीय सदन में भी बहुत सक्रियता रही है। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी 5 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 1976-77 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में नागरिक उड्डयन के उपमंत्री रहे। वे 1980 और 1983 के बीच केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री रहे तथा 2009 से 2011 तक केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री रहे। तदुपरांत जून 2012 वे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के भी कैबिनेट मंत्री रहे। वे वर्ष 1983 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे तथा प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनके एक बड़ा नाम और हिमाचल की ही राजनीति में नहीं, मैं कह सकता हूं कि पूरे देश की राजनीति में उनके एक बहुत बड़ा नाम रहा है। बतौर केंद्र में मंत्री, बतौर प्रदेश में मुख्यमंत्री, इन दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाओं को उन्हें बहुत जिम्मेवारी के साथ निभाया और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में जिस हिमाचल को हम आज की वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं, जहां हिमाचल चौहुं दिशा में विकास की गति को बनाए हुए आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं कि श्री वीरभद्र सिंह जी बहुत जीवंत आदमी थे। जो कहना होता था वो कह देते थे, जब नहीं कहना होता था कुछ नहीं कहते थे। एक राजनीतिक दृष्टि से स्थान और समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, कहाँ कहना है, कहाँ नहीं कहना है, कितना कहना है, उन सारी चीजों को मुझे लगता है कि हमको उनसे, उनके जीवन से सीखना चाहिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनकी कमी महसूस करेंगे और मैं इस बात को भी देखता हूँ। व्यक्तिगत रूप से कभी कभी बीच बीच में हमसे मिलने आते थे
तो अपनी बहुत सारी चीज़ों का वो जिक्र करते, बहुत सारी बातों का जिक्र करते थे, अपने पुराने जो राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव, कठिनाइयों के दौर और उसके बाद डेवलपमेंट के इश्यूज, उन सारी बातों का वो जिक्र करते थे। उन्हें बहुत जो है विल पावर, जिसको मैं कह सकता हूँ, बहुत मजबूत थी। कोविड का एक दौर हुआ, उस दौर से निकले, कोविड का दूसरा दौर भी हुआ, फिर उस दौर में से भी निकले, लेकिन आखिरकार जो होने को मंजूर होता है वही होता है। बाद में कुछ स्वास्थ्य में गिरावट आई और वो गिरावट जो है फिर उसके बाद रुकी नहीं, और आखिरकार लंबे राजनीतिक जीवन जो प्रेरणा से भरा हुआ है, उस जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच करके वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। अध्यक्ष महोदय, मैं उनके योगदान को हिमाचल प्रदेश के लिए सदैव स्मरण करता हूं, और हिमाचल प्रदेश सदैव उनके योगदान को स्मरण करता रहेगा, और एक नेता के रूप में हिमाचल के लोगों के दिल में उनने बहुत जगह बनाई। इसका मंजर आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने देखा, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनके अंतिम संस्कार के उस दिन भी वहाँ पर था। पूरा इलाका बहुत शोक में डूबा हुआ था, और ऐसे में हम सब लोग जो है वो उनकी कमी जहाँ अनुभव कर रहे हैं, ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की हिम्मत दे, क्षमता दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारे नरेंद्र बरागटा जी, 68 वर्ष की आयु में उनका 5 जून 2021 को उनका निधन हो गया। वो जुबल कोटखाई के विधायक थे, वो तीसरी बार विधायक बने थे। श्री बरागटा जी 1998 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के लिए सदस्य के रूप में चुने गए तथा 2007 में पुनः विजयी हुए। वे 1998 से 2002 तक बागवानी एवं कानून मंत्री तथा 2007 से 2012 तक बागवानी, तकनीकी एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री रहे। वर्ष 2018 में मुख्य सचेतक के रूप में विधानसभा में नियुक्त हुए। अध्यक्ष महोदय, ऐसे हमारे नरेंद्र बरागटा जी, जो जुबल कोटखाई के विधायक के नाते जो क्षेत्र उन्होंने अपने हाथों से मजबूत किया विकास की दृष्टि से, और हिमाचल प्रदेश में भी जिस महकमे में वो रहे उसमें काम करके उन्होंने अच्छा काम करने का जो प्रयत्न किया, हमारी पार्टी में वो वरिष्ठ नेता थे, पार्टी को भी क्षति हुई है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूँ कि हमने एक अपना साथी खोया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से श्री अमर सिंह जी 2 जून 2021 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। स्वर्गीय श्री अमर सिंह चौधरी वर्ष 1967 में पहली बार भोरंज विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे, विधायक चुने गए थे तथा 1977 में पुनः विजयी हुए। लोक सेवा, पढ़ने व क्रीड़ा में उनकी विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन श्री अमर सिंह चौधरी के प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से श्री राम सिंह जी 8 मई 2021 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। जमानी सदन उनके निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री राम सिंह जी वर्ष 1972 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से श्री मोहनलाल जी
2 अप्रैल 2021 को 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। जो माननीय सदन उनके निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता है। मोहनलाल जी 1970 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे वर्ष 1982, 1990, 1998 में भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वे 1998 से 2003 तक आयुर्वेदा राज्य मंत्री के रूप में भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो अपनी सेवाएं दी हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी भी हम कमी महसूस करते हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को उस दुख को सहन करने की क्षमता दे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी से हुई लोगों की दुखद मृत्यु और हाल ही में भारी वर्षा और बाढ़ से दुखद मौतों पर भी शोक व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 13 अगस्त 2021 तक चलेगा। सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी। 5 अगस्त और 12 अगस्त के दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने के लिए पीवी सिंधु को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर संपूर्ण देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने महिला हॉकी टीम को आगामी मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 703 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 79 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 620 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 28,41,155 लोगों की जाँच की जा चुकी है, जिनमें से 26,34,363 सैंपल की जाँच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,06,172 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,01,516 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,111 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।